नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है चार के बार का, जिसमें पहली खबर होगी चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर। देश के दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने कहा, नए चुनाव आयुक्तों के लिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू का नाम तय कर लिया गया है। इस खबर से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी आपको दूंगी, अगली खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। दूसरी बड़ी खबर बिहार से होगी, जहां पर लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन का दौर लगातार जारी है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मोहर लग गई है और बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। दरअसल बीजेपी ने पुराने और नए चेहरों के लिए 50-50 का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन सीट बंटवारे का जो स्वरूप सामने आया उससे चाचा मायूस हो गए हैं। आखिर उनकी मायूसी की वजह क्या है आपको समझाएंगे। अगली बड़ी खबर के लिए महिमा सिंह कवर का रुख करते हैं। देखिए तीसरी बड़ी खबर, पूरे देश में केंद्र सरकार में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, आप बखूबी जानते हैं। सीए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के कारण दिल्ली में चोरी रेप अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। उनके बयान के बाद हिंदू शरणार्थी भड़क गए हैं। आखिर केजरीवाल ने बयान क्यों दिया, आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर में आपको प्रज्ञा सामल की तस्वीर दिखाएंगे। प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, ये साबित किया है सुप्रीम कोर्ट के कुक अजय कुमार सामल की बेटी प्रज्ञा सामल। प्रज्ञा ने एक निजी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, 3 साल के एलएलबी कोर्स में लगातार मेरिट लिस्ट में टॉप पर रही और प्रज्ञा के स्कूल ने गोल्ड मेडल से नवाजा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद उनको और उनके परिवार को सम्मानित किया। पूरी खबर और तस्वीर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर पूर्णिमा मिश्रा बताएंगे। पहली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय समिति थी उसने निर्वाचन आयोग में दो आयुक्तों के खाली पदों पर भर्ती के लिए दो नामों पर आखिरकार मोहर लगा दी है। समिति ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयोग नियुक्त कर दिया है। ये दोनों ही रिटायर्ड आईएएस है और दोनों अलग अलग समय में आईएएस से रिटायर्ड हुए। निर्वाचन आयोग के दोनों आयुक्त के पद पहले अनूप चंद पांडे के फरवरी में रिटायरमेंट और फिर हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खाली हुए थे। अधीर रंजन चौधरी जो उस मीटिंग में शामिल थे, उनकी तरफ से दावा यह है कि ज्ञानेश कुमार केरल से हैं, दूसरे सुखबीर संधू का ताल्लुक पंजाब से है और वो आगे ये भी कहते हैं कि वो इस चयन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं। वैसे भी समिति में सरकार के पास बहुमत है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि एक रात पहले ही उन्हें 212 नामों की लिस्ट मिली और इतने कम समय में 212 नामों की जांच और समीक्षा करना संभव नहीं। बैठक में सरकार की तरफ से 212 में से 6 नाम दिए गए हैं, ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। लेकिन बहरहाल दो नाम सामने आ चुके हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ये दोनों चुनाव आयोग के तौर पर अब नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कब से तीन आयुक्तों वाला जो सिस्टम है उसकी शुरुआत हुई, आपको उसकी जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल शुरुआत में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। संविधान के आर्टिकल 324 के खंड 2 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जिक्र है और इस आर्टिकल में मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य चुनाव आयुक्त रहने की बात की गई है। दो अतिरिक्त आयुक्तों को सबसे पहले 16 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक चला। 1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग होने पर बहुमत से फैसला लिया जाता है, ये प्रक्रिया रही है। चुनाव आयोग की नई टीम है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त होंगे, सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त होने वाले हैं। तो ये जो तीन चेहरे आप इस वक्त देख रहे हैं उनके हाथों में निर्वाचन आयोग की कमान होने वाली है और इसी को लेकर के अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आखिर कौन है सुखबीर संधू, भी आप जानिए। 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रहे। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं, मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे, अमृतसर से MBBS की और अर्बन रिफॉर्म्स पर रिसर्च पेपर्स भी उन्होंने लिखे हैं। लुधियाना नगर निगम के आयुक्त भी रह चुके हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति मेडल से उनको नवाजा गया है। दूसरे आयुक्त ज्ञानेश कुमार कौन है उनका समझिए किस तरह से सफर रहा। 1988 बैच के केरल कार्यालय के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश गृह मंत्रालय में भी रहे हैं। धारा 370 हटने के दौरान गृह मंत्रालय में ही थे और कश्मीर डिवीजन को भी उन्होंने संभाला था। सहकारिता मंत्रालय में भी सचिव पद से रिटायर हुए, यानी दोनों विभाग जिसमें अमित शाह की मिनिस्ट्री थी उन दोनों विभागों में काम करने का अनुभव।
लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लग गए, लेकिन आधिकारिक घोषणा बाकी है। दरअसल बीजेपी ने पुराने और नए चेहरों के लिए 50-50 का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन सीट बंटवारे का जो स्वरूप सामने आया उसमें पशुपति पारस खेमे में मायूसी नजर आई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की निगाहें बिहार पर जमी हुई है। लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। इधर चिराग पासवान की एनडीए से कथित नाराजगी अब दूर हो गई है और सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मोहर लग गई है, बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान के एलजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पाले में एक एक सीट आई है। हालांकि बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई। वहीं अब समस्तीपुर से सांसद और भतीजे प्रिंस राज को बीजेपी बिहार सरकार में मंत्री बनाएगी। लोकसभा की वोटिंग से पहले चिराग पासवान को पुराना चुनाव चिन्ह बंगला भी वापस मिलने की संभावनाएं टटोली जा रही है। बताया जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया जा सकता है। चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट से अपना दावा ठोका था। चिराग पासवान का कहना है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी वो हैं, इसलिए गठबंधन में हाजीपुर सीट उनको ही मिलनी चाहिए। पशुपति पारस का दावा था कि रामविलास पासवान अपने जीते जी हाजीपुर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, इसलिए वो हाजीपुर सीट के असली हकदार है। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस सांसद है। इस सीट पर चिराग के दावा ठोकने से ही दोनों चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई थी। कि दलित वोट डेफिनेटली हम लोग के साथ है और मेरा ऐसा मानना है, हमारे पूरी पार्टी का ये मानना है कि ऑनरेबल पीएम और कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो लोग मंत्री जी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। और हम लोग, जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं और दिल से बोलते हैं वो, कि हम लोग मरते दम तक एनडीए के साथ है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। दोनों ने ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। दरअसल बीजेपी ने पुराने और नए चेहरों के लिए 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी के अभी तक घोषित उम्मीदवारों का विश्लेषण करते हैं तो दिखता है कि 265 सीटों में से 203 सीट पर उसका कब्जा रहा है और 63 सीट 2019 में वो जीत नहीं सकी थी। इस तरह पार्टी ने अपनी 21% मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जबकि करीब 50% सीटों पर मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें एमपी की बची 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से मौका दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बालाघाट से भारती पारधी और धार से सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा गया। पहले की तरह दूसरी लिस्ट में भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को फिर से मौका दिया गया और इसके साथ ही एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी के चेहरे सामने आ चुके हैं। खास बात इसमें यह है कि इस बार पार्टी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया और जितने नए लगभग उतने ही पुराने चेहरों को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। आपको एमपी में जारी हुई दूसरी लिस्ट के बारे में भी समझाते हैं। बात छिंदवाड़ा की करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से विवेक बंटी साहू पर भरोसा जाहिर किया। विवेक 2019 में विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के सामने तब लड़े थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उपचुनाव में हार करके भी बेहतर प्रदर्शन किया। हार का अंतर मात्र 25,837 वोटों का था। 2023 के विधानसभा चुनाव में विवेक फिर कमलनाथ के सामने आए, इस बार 36,594 वोट से हारे। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ को इतने कम वोट से जीत की उम्मीद नहीं थी। इंदौर सीट होल्ड पर चर्चा रही और चर्चा होने लगी है, यहाँ तक कि ताई यानी कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के बीच नाम को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। ये भी बात चली कि पार्टी इंदौर या उज्जैन से किसी महिला को टिकट देना चाहती है। ये इरादे को दूसरी लिस्ट में आदिवासी सीट धार में महिला को टिकट देकर के पूरा कर लिया गया।
आगे बढ़ते, प्रज्ञा सामल को जब खुद देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सम्मानित कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कुक की नौकरी करने वाले प्रज्ञा के पिता अजय सामल की आंखों में खुशी के आंसू थे। देश के दिग्गज जजों के सामने प्रज्ञा ने अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आखिर ये सब क्यों हुआ, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, ये साबित किया है सुप्रीम कोर्ट के कुक अजय कुमार की बेटी प्रज्ञा ने। हाल ही में प्रज्ञा ने एक निजी कॉलेज में LLB की पढ़ाई पूरी की है। 3 साल के LLB कोर्स में लगातार मेरिट लिस्ट में टॉप पर रहने वाली प्रज्ञा को स्कूल ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। अब LLM की पढ़ाई के लिए प्रज्ञा को एक नहीं दो नहीं बल्कि विदेश के 5-5 मशहूर लॉ स्कूल से LLM की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की गई है। प्रज्ञा की इस मेहनत के लिए देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान की प्रति देकर प्रज्ञा को सम्मानित किया, तो उनके माता पिता को सम्मान में शॉल पहनाई। दोनों काफी खुश थे क्योंकि जिस कोर्ट में वो खाना बनाया करते हैं उसी कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी वकीलों ने उनके लिए तालियां बजाई है। तालियों की आवाज और CJI की शुभकामनाएं सुन प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेंगी। उन्होंने अपने माँ बाप को संभालते हुए कहा कि वो इस सम्मान से अभिभूत है और कड़ी मेहनत करेंगी। प्रज्ञा की माँ बहुत कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उनकी बेटी ने उनका सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। प्रज्ञा के पिता ने सबसे पहले साल 1990 में आदित्य बिरला ग्रुप में कुक के तौर पर नौकरी शुरू की थी। 6 साल बाद 1996 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नौकरी मिल गई और तब से लेकर अभी तक वो देश के जाने माने जजों को अपने हाथों का खाना खिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।